हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं एप्पल की सब्जी, मतलब कि ग्रीन वाले जो एप्पल आते हैं उसकी सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ग्रीन वाला एप्पल आता है मार्केट में, जो देसी सेब के नाम से जनरली जाना जाता है, तो वहाँ यहाँ पे हमने वो ले लिया है। ये करीबन 1 kg है, तो 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमने 2 kg लिया था और उसको हाफ हमने यहाँ पे ले लिया है। हाफ कप हमने यहाँ पे लिया है जो साबुत धनिया आता है, वो उसको भिगो दिया है अच्छे से हमने। और यहाँ पे सेम अमाउंट में हमने ले लिया है सौंफ। दोनों को भिगो के अच्छे से रख देंगे। करीबन 1 से 2 घंटा आपको उसको भिगोना है, अगर ये अच्छे से आपको बनाना है तब। पाउडर में एडवाइस नहीं करूँगी, आप कोशिश करें कि आपको ये नॉर्मल घर पे साबुत ही मिले, उसको आप भिगो के बनाएं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में हीट कर लिया है ऑयल, जो कि मस्टर्ड ऑयल है, और इसमें हमने तड़का लगा दिया है धनिए का। आप चाहें तो जीरे का तड़का भी ले सकते हैं। जो भी आप खड़े मसाले घर में यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे तेज़पत्ता डाल दिया है। आप दालचीनी ले सकते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी ले सकते हैं, और आपको लगता है तो काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। खड़े मसाले आपकी चॉइस है, आपको कौन कौन से ऐड करने हैं कौन से नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को खड़े मसालों का टेस्ट पसंद नहीं होता है, तो वो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको ऐड करते हैं। प्याज हमने पीस लिया था, पीस के हमने इसमें पेस्ट को ऐड कर दिया है और इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा अगर आपकी लगता है इस टाइम पे, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं आप। सॉल्ट से क्या होता है, कुकिंग थोड़ी सी अच्छे से हो जाती है और टेस्ट जो है निकल कर हमारा रेसिपी का अच्छे आता है। ये जब तक हो रहा है हीट, तब तक आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा चला कर पकने देंगे, और तब तक आप तैयार करेंगे आपके बाकी इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि अभी रेसिपी में बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, अगर आप यूज़ करते हैं तो वो डालिए, मैं तो येलो चिली पाउडर यूज़ करती हूँ तो मैंने वो ऐड कर दिया है, जो कि 1/2 teaspoon लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच के अराउंड मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। हींग मैं इसी स्टेज पर ऐड कर देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें अभी पानी ऐड नहीं किया है, प्याज के साथ ही मैं इसको भुनने के लिए छोड़ दूंगी। आपको जब रिक्वायरमेंट लगे तब आप पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एप्पल की क्वांटिटी है ज़्यादा, तो हल्दी मैं थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। तो आप जो भी हल्दी यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अमाउंट सेट कर दीजिएगा। थोड़ी हमारी ये भुन गई है सारी चीज़ें, हमने पानी अब ऐड कर दिया और इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। और भी इसमें थोड़ा लगेगा टाइम, तब तक आप अपना जो मसाला हमने सोक करके रखा है, जैसे कि धनिया और सौंफ, उसको आप पीस कर जार में रख लीजिए। जैसे कि आपको याद होगा अभी कि हमने सेब अभी तक चॉप नहीं किए हैं, तो ये जो सेब है ना, ये हम चॉप करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी आयरन रिच रेसिपी है, क्योंकि ये ग्रीन एप्पल्स में अच्छे अमाउंट में आयरन होता है, साथ ही हम इसको कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं, तो ये और अच्छा टेस्ट भी आएगा और इसका टेस्ट जो है खट्टा आता है। और जैसे कि आपको, जैसे आमिया खाते हैं ना खट्टी, तो ये उस तरह से आपको अच्छे से लगेंगी। और आमी का सीज़न अभी बहुत कम आमी मिल रही है इस टाइम पर, अगर नहीं मिल रही हो ये सेब तो अवेलेबल है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने जो थोड़ा हमने मसाला रेडी किया था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है, जो कि मैंने लिया था सौंफ और धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पे, मैंने जैसे बताया आपको, यूज़ नहीं किया है, बस इसको भुनने के लिए छोड़ देते हैं। सॉल्ट अभी तक आपने ऐड नहीं किया है, तो सॉल्ट ऐड करके इसको कवर करके रख दीजिए। इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना अच्छा फ्लेवर इसका निकल कर आएगा और पूरे घर में इसकी अच्छी महक आपको सूंघने को मिलेगी क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, और इसमें आपके खड़े मसालों का यूज़ हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो कुछ इस तरह से हमने एप्पल को चॉप कर लिया। अच्छा, एप्पल को याद रखना है आपको इसके पील ऑफ नहीं करना है, बस इसमें जो भी डर्ट या जो जैसे भी उसको अच्छे से क्लीन कर लें और अच्छे से इसको चॉप करें। तो यहाँ पर सारे सेब को हम चॉप कर लेते हैं और इस तरह से स्लाइसेस अपने बना लेते हैं एप्पल के। बीच बीच में खाने का मन करे तो आप खा भी सकते हैं, पर रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा, ये रेसिपी जो है आप याद रखें कि ये पराठे के या पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगेगी, और चपाती के साथ ये
और टेस्ट जो है आपको हो सकता है कि अच्छा ना लगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो है जैसे कि आमी का टेस्ट होता है, तो हम पराठे के और पूरी के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसका भी सेम है। बस ये रेडी है, अभी हमारा मसाला हो चुका है रेडी। अब हम इसमें ये जितने भी हमारे एप्पल्स चॉप्ड हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और टेस्ट एनहांस करने की ज़रूरत है तो इसमें टमाटो बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दें, बट ग्रेवी ना डालें, मतलब कि ग्रेवी ना बनाएं या प्यूरी ना बनाएं टमाटर की, तो उस तरह से आप चॉप करके डाल दें। सॉल्ट थोड़ा सा आप इसमें, अगर आपने कम ऐड किया है तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम इसको चला देते हैं। एक चीज़ आपको ये कि यहाँ पे हमारे एप्पल्स है, इसका भी मॉइस्चर रिलीज होगा, तो आपको इसी मॉइस्चर के कंटेंट के अकॉर्डिंग ही इस रेसिपी को आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी तो इसको थोड़ी देर के लिए हम भुनने के लिए रखेंगे धीमी आंच पर, ताकि ये जले ना। और कोशिश करिएगा जब आप बना रहे हैं तब आप आयरन की कढ़ाई का ही यूज़ करें, ताकि इसकी न्यूट्रिएंट जो बेनिफिट्स हैं वो आपको अच्छे से मिल जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये रेसिपी और सारी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं उनको ज़रूर देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये रेसिपी जो है हमारी थोड़ी डिफरेंट बनने वाली है, यहाँ पर हमने इसमें आप पानी ऐड कर दिया है, पानी ये मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको ऐड करना है। आपको रसेदार चाहिए तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा रख सकते हैं, अदरवाइज मॉइस्चर है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए जैसे सूखी सब्जी बनती है, वैसे तो नहीं बनेगी, एकदम ड्राई नहीं बनता है, तो जैसे इसमें आपने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, अब इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे और बीच बीच में आपको उसको चेक करते रहना है, ताकि ये हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से बन जाए। इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एप्पल्स जो हैं जल्दी ही कुक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है भी और हमने और भी पानी ऐड किया, और स्टीम कुक भी करेंगे थोड़ा पानी के साथ में, तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा निकल कर आएगा। तो बस इस रेसिपी को चला दीजिए, बंद कर दीजिए इसके कवर को। लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ जैसे कि आपकी आमी की रेसिपी भी है, और अभी रिसेंटली मैंने एक पापड़ रेसिपी रोल की रेसिपी शेयर की है, जो कि आप घर में बच्चों के लिए स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि चटपटा भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि स्टफिंग ही ऐसी है उसकी। तो हम ऐसी ही बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप जितनी भी चैनल पर रेसिपीज़ हैं एक बार ज़रूर उनको गो थ्रू कीजिएगा, और आपको मज़ा डेफिनेटली आएगा। तो कुछ देर पकाने के बाद में, करीबन मैंने इसको 20 मिनट्स हल्की आंच पे पकाया है, तो कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई है। इसमें देखिएगा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, रसीली ये नहीं है। इस तरह से मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है, पीसेस आपके बिल्कुल भी नहीं बिगड़े हैं। बस गर्मा गर्म प्लेटिंग कीजिए इस रेसिपी की, पराठे के साथ एंजॉय कीजिए या फिर आप पूरी के साथ एंजॉय कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय करें, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।